खबर रीवा जिले से, जहां बीजेपी नेता रोशनलाल पांडे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि कल मुख्यमंत्री द्वारा मऊगंज को जिला बनाने की जो घोषणा की गई वह स्वागत योग्य कदम है। निश्चित रूप से मऊगंज जिला बनेगा तो और प्रगति करेगा, स्वास्थ्य रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। आगे उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने भरे मंच से जो मऊगंज को पिछड़ा कहा इस पर उन्हें थोड़ी आपत्ति है। मऊगंज कतई पिछड़ा नहीं है, यह एक कृषि प्रधान क्षेत्र है जहाँ के किसान सिंचाई की समुचित व्यवस्था न होने पर अपने अथक परिश्रम से उत्तम कृषि करते हैं। अगर बाढ़ सागर का पानी मऊगंज में लाया जाए तो सिंचाई के साधन उपलब्ध होंगे और यहां के मेहनती किसान और उत्तम खेती कर सकेंगे। क्षेत्र में युवाओं के पलायन के संबंध में उन्होंने कहा कि इसे मैं पलायन नहीं कहता, क्योंकि मऊगंज में सारे देश की तरह ही बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, इसलिए यहां के युवक रोजगार की तलाश में अन्यत्र जगह जाते हैं। इस तरह का उपक्रम जो सारे देश में होता है इसे हम पलायन नहीं कह सकते। रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जब वह मंत्री थे तो उन्होंने मऊगंज के लिए कई सारी सौगातें दी। गुरेटा को उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र बनाने की पहल के साथ ही मऊगंज में सड़कें बनवाई, गैस पाइपलाइन लाने का उपक्रम किया और भी कई सौगातें उन्होंने मऊगंज को अपने मंत्री कालकाल के समय दिया है। मऊगंज के जिला बनने के बारे में उन्होंने मऊगंज की जनता को कहा कि मऊगंज की जनता और तमाम जनप्रतिनिधियों की मेहनत है जो 15 साल में रंग लाई और आखिरकार मऊगंज जिला बन गया और यह अब और उन्नति प्रगति करेगा। नमस्कार प्रणाम। कल हमारे मऊगंज को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिला घोषित किया है। मऊगंज को जिला बनाने के लिए हमारे मऊगंज के जो सामाजिक संगठन थे उन्होंने 20 सालों से लगातार जिला बनाने के लिए लड़ाई लड़ते गए। मैं मऊगंज के सभी समाजसेवियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनकी यह लड़ाई निश्चित रूप से सफल हुई। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मऊगंज के एडवोकेट संतोष मिश्रा को, जो उन्होंने अपनी जो जिला का संगठन बना करके जो कमेटी बनाई थी वो कमेटी के साथ में जा करके गांवों में जन जन से हस्ताक्षर अभियान कराया। पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी जी को मैं कहना चाहता हूँ कि उन्होंने एक साल तक कॉलेज के सामने टेंट लगा कर उन्होंने भी जिले के लिए लड़ाई लड़ी। पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना तो कई बार धरना प्रदर्शन भी आंदोलन किए, 50,000 लोग जा करके इकट्ठा होकर जिले के लिए गिरफ्तारी दिए। और मऊगंज के सभी जनमानस मऊगंज की बहुत दिन से चाहता था कि मऊगंज जिला हो, मऊगंज का विकास हो। चूँकि रीवा जिले से मऊगंज, हनमना, यहाँ तक जड़कुल पिपराही जो मतलब जड़कुल एरिया है, रीवा से 160 किलोमीटर की दूरी थी। निश्चित रूप से वहाँ की जनता को रीवा आने में कठिनाई होती थी और जिला बनने से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने सही समय पर निर्णय लिया और मऊगंज की जनता की आवाज़ को सुना। निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं और मैं मऊगंज के पूर्व प्रतिनिधियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जनप्रतिनिधियों को। उन्होंने इस लड़ाई को अच्छी लड़ाई लड़ा और तब जाकर के सफलता मिली। जिला बनने के बाद समस्याएं तो है ही हैं, लेकिन इस समस्याओं को धीरे धीरे निदान होगा। पहला सबसे बड़ा मुद्दा मऊगंज में वर्तमान में, अगर मऊगंज में बाढ़ सागर का पानी लाया जाए तो निश्चित रूप से मऊगंज के विकास को बहुत ही आगे बढ़ाया जाएगा। क्योंकि मऊगंज हमारा 84 क्षेत्र असिंचित क्षेत्र है, वहाँ अगर पानी पहुँच जाए तो 84 क्षेत्र अपना संपन्न, साधन संपन्न होगा, किसान संपन्न होंगे। और मऊगंज में गुरमा डैम बना है जिससे
18,000 हेक्टेयर की सिंचाई होती है और लोगों में संपन्नता है, लोगों में अपनी मेहनत से धान गेहूं की फसल उगाते हैं। लेकिन वर्तमान में मैं कहना चाहता हूं, विकास तभी संभव है जब हम अहेरा प्रथा को रोकेंगे। और अहेरा प्रथा कैसे रोकी जा सकती है? अभी तक तो बहुत सारे गौशालाओं का निर्माण किया गया लेकिन कहीं क्रियान्वयन नहीं हुआ। हमारा किसान बेसहारा हो चुका है, परेशान हो चुका है। खेती बो देता है, फसलें चर जाती है। रात दिन खेत में बैठे बैठे वो अपनी कुर्बानी दे रहा है लेकिन सफलता नहीं पा रहा, क्योंकि जब तक अहेरा प्रथा नहीं बंद होगा तब तक किसान बेहाल है।